देश भर में इस बार लोकसभा चुनाव की बड़ी चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच आए हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और कई विपक्षी दल उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, उनकी नाकामियों के नारे हैं। आज हम खड़े हैं टोंक के प्रसिद्ध हाट बाजार में, जहां पर टोंक और सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के बारे में आखिर मतदाताओं का किस प्रकार का मिजाज है, क्या सोचते हैं, किस प्रकार की सरकार और कब तक की इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने किस प्रकार के काम किए हैं, इन सभी को लेकर हम चर्चा करते हैं यहाँ के हाट बाजार। मेरा नाम बहादुर सैनी है। बहादुर जी, देखो 5 साल तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी का MLA भी रहा, MP भी रहा, किस प्रकार का आप अनुभव करते हैं सरकार? ऐसा है, सभी आके और घर बना के चल जाते हैं, है ना, जो आता है जो घर बना के चल जाता है, और कोई सुनाई नहीं है पब्लिक की। 5 साल में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं रही है? समस्या तो सभी चली आती है और सभी के समाधान होता रहता है और चलती रहती है गाड़ी, और धक्के पिलट गाड़ी चलती है। अभी कौन सा टोंक में कौन सा विकास कर दिया? बरसों से कह रहे हैं कि रेल आएगी, ट्रेन आएगी, वो आएगी, वो आएगी, पानी आ रहा है, बिसलपुर का पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ, कुछ नल नल लगाने बैठ गए और गंदा गंदा पानी नलों में आता है, और 4 दिन में 5 दिन में आपने इसकी शिकायत विभाग को करी है? गंगा विभाग वाले कितनी दफा कह दिया, कितनी रिपोर्टें कर दी, कोई सुनवाई नहीं, कितनी दफा कह दिया, कितनी दफा कह दिया हमने, हमारी कोई सुनाई नहीं, आगे बढ़ने से पहले खत्म हो जाती थी। हम वार्ड नंबर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? 30 रुपए की पावर था, 30 की पावर, 120 रुपए की प्रकार की सरकार चाहते हैं? सरकार ऐसी होगी, हमें विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। तो 5 साल में क्या टोंक में विकास हुआ है लगता है आपको? क्या कुछ भी नहीं हो रहा था, हिंदुस्तान में तो कोई विकास नहीं हो रहा है। तो किसको वोट देना पसंद करें, कौन सी सरकार चाहिए? सरकार तो देखो जिसको जिसकी लहर होगी उसे भी देना पड़ेगा। लहर क्या मान रहे हो? देखो MP तो कह रहे हैं कि आपके टोंक में बहुत विकास हुआ है, सड़कें बनी है, विकास तो हुआ है, बिजली का पानी बन हो गई, बिजली बन हो गई, अब मजदूर तो परेशान है, पानी कुछ क्या करें, ये बैठे में गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी नहीं, पीने का पानी नहीं आ रहा, सही तरीके से नहीं आ रहा, हर मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा सर, हर मोहम्मद इकबाल। देखो टोंक जिले में 5 साल में किस तरह का विकास हुआ है? MP सुखबीर जो है उन्होंने किस तरह का विकास किया, आप किसको वोट देंगे? क्या विकास हुआ? देखो ये सरकार 5 साल चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्या सोच है, कितनी सस्ता हुई है, कितनी महंगाई हुई, आपके धंधे पर किस प्रकार का प्रभाव? धंधे पर तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बहुत बुरा असर पड़ रहा है। क्या कारण है? कारण महंगाई है, नोटबंदी है, GST है, बड़े व्यापार का फर्क पड़ा, छोटे व्यापार का फर्क पड़ा, आदमी परेशान हो रहा है, हर तरह से परेशान हो रहा है। किस प्रकार की सरकार चाहेंगे? सरकार तो ऐसी है जो गरीबों की सोचे, दुकानदारों की सोचे, आम जनता की सोचे, जो अच्छा काम करे, अच्छा रोजगार दे, हर तरह की व्यवस्था मिले, घर की व्यवस्था भी है, औरतों की भी है, बच्चों की भी है, बड़े बड़े लोगों की भी है, सबकी है, हमें तो अच्छी सरकार चाहिए, या किसी की भी है, सरकार अच्छी चाहिए। कमला जी क्या स्थिति है, पानी सड़क? पानी नहीं आ रहा हमारी तरफ, छावनी में कीचड़ की तरह पानी आ रहा है, और इन्हें पीने का पानी भी है ना, ऐसे बात बात के मतलब तो भरते हैं जरा जरा से छान छान के, गंदा पानी आ रहा है, रोजगार में तो बहुत फर्क है, रोजगार भी नहीं है, गंदा पानी नहीं है, बड़ी बना दे, बड़ी फैक्ट्री है, यहाँ बड़ी फैक्ट्री हर चीज के लिए, तरह से टोंक में बैठे हैं, रोटी से बीड़ी बनाते हैं, महीने में 16 दिन काम दे रहा है, उससे क्या है, उससे गुजारा, अब महीने में 12 दिन काम दे रहा है, महीने बाद उससे कोई गुजार नहीं है, गरीबों का पेट भर रहा है, उससे छोटे बच्चे हैं, उससे बहुत सारे बच्चे हैं, कोई जरिए नहीं है, घड़े फोड़ते हैं। देखो आपने 5 साल ऐसे भारतीय जनता पार्टी को भी देखा है, पिछली बार आपने 55 साल तक कांग्रेस को भी देखा है, इसको वोट देना पसंद करेंगे? वोट तो देते हैं किसी को भी, बन चाहे जो अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे, हम जो गरीबों की मदद कर रहे हैं उसी को वोट देंगे, बस यही बात, जब रोजगार नहीं कमाने गरीबों की मदद करेगा उसको हम सबको देंगे।